हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट कैसे बनाएंगे तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। प्लेलिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि मान लो किसी एक वीडियो पे क्लिक करता है तो उसके सजेशन में दूसरा वीडियो शो हो जाता है, दूसरा पे क्लिक करता है तो तीसरा वीडियो शो हो जाता है, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा व्यूज बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं कि प्लेलिस्ट कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम यूट्यूब ओपन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब ओपन हो चुका है। यहाँ कोने में आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल की लोगो, तो लोगो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ में देख सकते हैं योर चैनल, तो योर चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ चैनल ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ में देख सकते हैं वीडियो, वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ में सारे वीडियो शो हो जाएगा। तो आपको किसी एक वीडियो के सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं 3 बिंदु, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं तीसरा नंबर सेव टू प्लेलिस्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैं देख सकते हैं कि पहले से मेरा 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो नया प्लेलिस्ट हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ मैं देख सकते हैं न्यू प्लेलिस्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ टाइटल में हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यू वीडियो, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया न्यू वीडियो। इसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं प्राइवेट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ में आपको 3 ऑप्शन शो करेगा, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट। इसे हम पब्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ में देख सकते हैं क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट बन जाएगा। इसमें हम वीडियो कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ में देख सकते हैं 3 बिंदु, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर से हम सेव टू प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और अभी जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हूँ न्यू वीडियो के नाम से, तो यहाँ में देख सकते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे में आप देख सकते हैं डन डन पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो इसमें सेव हो जाएगा। इस तरह से फिर से हम किसी दूसरे वीडियो पे इसमें ऐड करेंगे तो 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे और सेव टू प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ में देख सकते हैं न्यू प्लेलिस्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे, इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ में देख सकते हैं प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ में देख सकते हैं कि न्यू वीडियो के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई यहाँ शो कर रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ में देख सकते हैं जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किया, ये 2 वीडियो यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरह से आप नया प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो इसे आप डिलीट कैसे करेंगे, तो यहाँ में देख सकते हैं 3 बिंदु, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ में देख सकते हैं दूसरा नंबर डिलीट, डिलीट पर क्लिक करेंगे और फिर से हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और ऐसे हेल्पफुल जानकारी के लिए प्रवेश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे हेल्पफुल जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।